आज चला जाएगा कटल गरीबी वर्सेस मंगेशरी, बहुत ही रोमांचक में चला जाएगा कटल गरीबी का पहली रेन। और दोनों ही तरफ लाइन में उपस्थित कर दीजिए समिति के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ। और जर्सी नंबर 4 टो टच मारने का प्रयास और रेडर ने सफलता प्राप्त की, हमारे भाई अतुल कोकोटे। और हमारे मलम टोला से यूट्यूबर साहब सेंट टच मारने का प्रयास और इन्होंने सफलता प्राप्त की। और मैं आपको बता दूं इनका जो यूट्यूब चैनल है दासू कबड्डी, बोनस का प्रयास करते हुए जर्सी नंबर 4 देखना होगा क्या कर पाते हैं, फिर से हैंड टच मारने का प्रयास और इन्होंने सफलता प्राप्त की, बोनस प्लस 5। मलम टोला के रेडर बहुत ही ऊंची कटपाटी के और लेफ्ट रेडर देखना होगा क्या कर पाते हैं अपनी टीम मलम टोला के लिए हैंड टच मारने का प्रयास। और एमटी रेड मार कर वापस और फिर से जर्सी नंबर 4 बहुत ही नीचे का काटी के रेडर देखना होगा क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए, बहुत ही चुस्ती फुर्ती में भरी हुई और फिर से हैंड टच मारने का प्रयास और फिर से मलम टोला के रेडर बहुत ही ऊंची कंकाटी के और इनकी बहुत ही अच्छी मूवमेंट, बोनस का प्रयास करते हुए फिर से हैंड टच मारने का प्रयास और बोनस का प्रयास किए जर्सी नंबर 4 हमारे भाई अतुल कोकोटे, बहुत ही अच्छे रेडर हैंड टच मारने का प्रयास और इन्होंने सफलता प्राप्त की। और थर्ड रेड है जर्सी नंबर 1, इनकी जर्सी के पीछे लिखा हुआ सोनू, बहुत ही नीचे का काटी का रेडर है पिक मारने का प्रयास। और मैं आपको स्कोर बता दूं, मलम टोला 2 पॉइंट और कटंगरी 5 पॉइंट और रेडर को पकड़ लिया गया। टाइम आउट। भाई नचिकेता नाने जी जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द पहुंचने का कष्ट करें, आपके पास स्प्रे है और ये प्लेयर कुछ कबड्डी खेलते हुए ये चोटिल हो रहे हैं, आपके पास स्प्रे है तो जल्दी से जल्द यहाँ पहुंचाने का कष्ट करें। हमारे एम्पायर साहब बधाई दिया, बहुत ही अच्छी एम्पायर नाने दिया, फिर से निवेदन है जल्द से जल्द पहुंचे और यहाँ काफी मैच कराए जाएंगे अभी। डिपेंडर सेफ है, खिलाड़ी तैयार बहुत बढ़िया। ये
यस भैया, यस भैया, हाँ अबे तो पाइप में नहीं फूकना हाँ दोनों हाँ बस ही हो रहा है हम कहीं परिया शानदार अरे चार पॉइंट बलम तोला तू भी इधर खड़ा रह जा अबे तो मैं इधर से देख उधर से देख मेरे को ज्यादा दिख रहा है ना सॉरी सॉरी 3 पॉइंट हाँ अभी अंपायर महोदय ने सोच समझ कर सूझ बूझ के साथ में डिसीजन लिया तीन पॉइंट अभी स्टेज पर पहुंचे राय पांडे जी सरपंच साहब उनका हार्दिक अभिनंदन है युवा दो दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता में अजय मरकाम भैया आप जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द ग्राउंड में पहुंचने का कष्ट करें अजय मरकाम भैया और 1 मिनट शेष है इसके बाद भैया आप स्कोर बता दे स्कोर बोर्ड से कमेंटेटर भैया मलम टोला 7 कटंगझरी 9 हेलो आपके समक्ष ये जबरदस्त कबड्डी का मुकाबला बहुत ही अच्छा टेकन दिख रहा मैच काफी रोमांच कटंगझरी वर्सेस बलम टोले का पॉइंट 7 और कटंगझरी 11 बलम टोला मंगेझरी को अभी अपने झोली में भरना है और इस मैच में बने रहना है तो भैया सूझबूझ के साथ अपना प्रदर्शन दिखाए टाइम देखो के पास सुनो अतिथियों का स्वागत किया जाएगा और लास्ट निकाली जाएगी और उसके पश्चात खिलाड़ियों को 3 मिनट का समय दिया जाएगा और मैच प्रारंभ करवा दिया जाएगा सेमीफाइनल इसलिए एम्पायरों से निवेदन है कि मैच जल्द से जल्द प्रारंभ करवाने का कष्ट करें वो तो है भाई देख मरिया सुन रहे तेरी गली में खड़ा है हमने तो आ नीचे
अंपायर वाले से निवेदन है कि जल्द मैच प्रारंभ करवाने का कष्ट करें। अबे मामा, ए मामा, ए मामा। मेरे माताओं और बंधु से मतलब निवेदन है कि जो भी महिला जो खड़ी है ये बेटी पीछी है, कृपया। हाँ भैया, एम्पायर से निवेदन है मैच प्रारंभ करवाए और समिति के सदस्यों से निवेदन है कि पानी की व्यवस्था करें। ये बोतल खाली पड़ी है, इसे पानी भर के रखें। वैसे मेरे समिति से निवेदन है कि कृपया पानी का व्यवस्था कम है, जो भी समिति के भाई हो वो पानी की व्यवस्था शीघ्र किया जाए। मंगेछरी के खिलाड़ी रेड लगाते हुए कटंगझरी दूसरी टीम के कोर्ट में देखना है। कटंगझरी के खिलाड़ी रेडर इस रेड में क्या कर पाते हैं, या पॉइंट अर्जित करते हैं या दबोच लिए जाते हैं। इसी के साथ में दबोच लिया गया और पॉइंट मलव डोले को प्राप्त हुआ। पूरा रेड लगा के मंगेझरी के रेडर मलव डोला मंगेझरी के रेडर देखना है क्या कर पाते अपने टीम के लिए। क्या खाली हाथ और एक खाली हाथ वापस अपने कोर्ट पर और कटंगझरी के रेडर को दबोच लिया गया। काफी रोमांचक मैच, ये क्वार्टर फाइनल का लास्ट मैच आपके समक्ष और इसके पश्चात बड़ा जोर के मारता है वो भी देंगे सेमीफाइनल खेला जाएगा। रेड लगाते हुए कटंगझरी के बी टीम के खिलाड़ी बहुत बढ़िया प्रदर्शन, बहुत अच्छा प्रदर्शन, पूरे खिलाड़ियों को हिला के रख दिया। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ अभी एम्पायर को डिसीजन ले लो सूझबूझ के साथ। और लाइनमैन हमारे लाइनमैन दोनों तैयार हो जाए भैया दोनों साइड। मैं जाता हूँ इधर से। और भैया थोड़े कोर्ट के बाहर हो जाए, बाकी खिलाड़ी जो भी है खिलाड़ी रहेंगे। और समिति के सदस्य से अनुरोध है कि वह थोड़ा व्यवस्था बनाए रखें।
बारह खिलाड़ी को कोर्ट से बाहर रखे, खिलाड़ी को अंदर रखे, बस भैया इसका काम नहीं है, वो ग्राउंड के बाहर है। हेलो, हाय अंपायर, शुरू करवाए और खिलाड़ी लोग ध्यान दे अंपायर के विशील बजाते हैं। अंपायर जब विशील बजाते हैं तो ध्यान दे। बहुत ही बढ़िया, देखते हैं अपने टीम के लिए कितने पॉइंट लेके जाते हैं। लेकिन एक पॉइंट कटंगरी ने प्राप्त किया। देखते मलम टोली कटंग के कोर्ट में क्या कर पाते हैं अपने टीम के लिए, पॉइंट बटोर के लाते हैं या खाली हाथ वापस आते हैं और जबरदस्त रेड लगाते हुए बलम टोले के खिलाड़ी और वापस दिनांक प्राप्त किए और दबोच लिया गया कटंगझरी के खिलाड़ी को। एक पॉइंट, डू और डाई करो या मरो, डू और डाई लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन रीडर के लिए। बोनस काटो भैया, जबरदस्त रेड लगाते हुए कटंगझरी के खिलाड़ी, देखते हैं बदलते हैं या। और इसी के साथ में रेडर को दबोच लिया गया। स्कोर बता दीजिए सर जी। अब हाँ, हम आपको स्कोर बता रहे हैं, मलम टोला 15, 16 और कटंगझरी 12। समय तीन मिनट 37 सेकंड का समय बचा है। वो बोलता है मेरे को आवाज नहीं आ रही, आवाज आते तक मारूंगा मैं। सारा काम तुम अपना काम करो, सारा काम करो, टाइम 3 मिनट 37 सेकंड हो चुका है और मलम टोले का पॉइंट है 16 और कटंगझरी का है 12। 16-12 भैया, एक माइक सर पर दो, विकेट सर दो। हाँ भाई सर, आप जरूर था सर, कौन मिला ठीक है सर, भारतीय सर आज आपसे अनुरोध है कि जो विजेता टीम है उनका लिस्ट बनाइए और लॉट के लिए, ये लास्ट मैच चल रहा है अभी, लॉट गिरेगी तो आप लोग लॉट की तैयारी कर लीजिए जी, आप लोग मैच इधर देख लो। और काफी का मैदान बैठ सकता हूँ, मलम टोला वर्सेस कटंगझरी भी, मलम टोला ने 16 पॉइंट और 12 पॉइंट का कटंगझरी भी, काफी शानदार। जबरदस्त
बलम टोलों के द्वारा करना जारी बी के मैदान में शानदार काफी शानदार रेड बलम टोलों के द्वारा 11 नंबर की जर्सी में खेलते हुए और पूरी डिफेंस को हिलाते हुए 11 नंबर के प्लेयर और क्या कर जाते हैं बलम टोला के मैदान में देखा जाएगा। और ये शानदार और मुआयना करते हुए बोनस प्लस वन पॉइंट बोनस प्लस वन पॉइंट कटक जरी बी 14 बलम टोला 16 दो पॉइंट का अभी भी बरकरार कर रखी है बलम टोला ने काफी जबरदस्त मैच चलता हुआ और कटक जरी के मैदान में बलम टोला के रेडर काफी चाल कदम कर दिया और यह शानदार और वन पॉइंट जाता हूँ अपने खाते में हासिल करते हुए बलम टोला के। इसी प्रकार 17 बलम टोला 14 कटकझरी बी काफी शानदार रेड देखा जाएगा और जो अंपायर का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा भाई। इसमें कोई भेदभाव की भावना तो है नहीं, दोनों आंखों से देख रहे हैं, दो नहीं चार आंखों से देख रहे हैं, दो दो प्लेयर दो एम्पायर बैठे हुए हैं और काफी शानदार रेड कटक जरी के मैदान में बलम टोला का मैदान बलम टोला का रेडर काफी चहल कदमी करते हुए काफी हस्तपुष्ट और ताकतवर रेडर है और ये चलाते हुए डिफेंड को और देखा जाएगा पॉइंट लेके आते हैं या फिर समय को वीडियो बना लो 1 मिनट 15 सेकंड एक मिनट 5 सेकंड मैच को समाप्त होने का 1 मिनट 5 सेकंड और वर्तमान मेरे पास अभी सेकेंड राउंड चल रहा है भाई। अंपायर तो भाई वार्तालाप नहीं करेगा, जो निर्णय होगा अंपायर होगा वही सर्वमान्य होगा। अंपायर महोदय अपना डिसीजन बताएं, टाइम आउट लिया गया है और स्कोर 53 सेकंड का मैच बचा हुआ है और बलम टोला 1 पॉइंट की लीड पर है, 16 पॉइंट कटकझरी के, 17 पॉइंट बलम टोला। दो पॉइंट कट चुका है, 1 पॉइंट की लीड में अभी बलम टोला 16 पॉइंट है। इधर सुनो कान बोल के दोनों टीमें 16 पॉइंट कटकझरी 17 पॉइंट बलम टोला 1 पॉइंट की लीड बना रखी है। अभी जो 2 पॉइंट की लीड 2 पॉइंट का जो रेड हुआ था वो काटने के बाद में 16 पॉइंट कटकझरी भी 17 पॉइंट बलम टोला 1 पॉइंट की लीड में अभी बलम टोला और मैच का समय 53 सेकंड बचा 53 सेकंड मात्र 53 सेकंड 53 सेकंड आप लोग के समक्ष है। तैयार हो जाओ भैया, आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। दोनों टीम बराबर है, दोनों टीम अपनी और कटकझरी के मैदान में बलम टोला का रेडर देखा जाएगा 1 पॉइंट की लीड बनाते हुए बलम टोला की टीम और 16 पॉइंट कटकझरी बलम टोला और ये काफी जबरदस्त रेड था और दोनों टीमें बराबर होते हुए 17-17 दोनों टीमें 17-17 और समय बचा लास्ट रेड 19 सेकंड का रेड है लास्ट रेड देखा जाएगा। पॉइंट गवाते हैं, पॉइंट लेके आते हैं कटकझरी के रेडर, पॉइंट गवाते हैं तो फिर विजेता होंगे, नहीं गवाते तो बराबरी चलेगी दोनों की और काफी शानदार रेड था और बलम टोला अपने हाथ से
गवादर मैच की समाप्ति। बहुत समय था, बहुत बढ़िया मैच था, अपने हाथों से गवाई है मानव तोरण ने, अपने हाथों से जो मछली पकड़ती है ना, मछली जब जंप मारती है और छूट जाती है, वही वाली कहानी मलर तोला के साथ में हुई है।